इस्लाम धर्म में पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन को ईद मिलादुन नबी के रूप में मनाते हैं। सोमवार 16 सितंबर को देश भर में यह पाक त्यौहार मनाया गया। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार यह त्यौहार तीसरे महीने रबीउल अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है। बेडमा में भी इस अवसर पर एक जुलूस निकला। जुलूस जमात खाने से शुरू होकर पूरा बाजार, सोसाइटी रोड, अम्बेडकर चौराहे सहित अन्य मार्गों से होता हुआ जमात खाने में ही संपन्न हुआ। जुलूस के दौरान जगह जगह जुलूस में चल रहे लोगों को केले, दूध और शरबत प्रसाद के रूप में वितरित किए गए। मुस्लिम समाज के लोग पताका, झंडियों के साथ राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा लेकर चल रहे थे। जुलूस के साथ घोड़े की सवारी देखी गई। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने मोहम्मद साहब को याद करते हुए झंडा लहराया। शहर काजी ने तकरीर पेश की, जहां उन्होंने मोहम्मद साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। इस दिन को मनाने वाले लोग नए कपड़े पहनकर नमाज अदा करके और दोस्तों और परिवार से मिलकर इसे मनाते हैं। लोग नमाज अदा करने के लिए सुबह सुबह मस्जिदों या दरगाहों में इकट्ठा होते हैं। लोग इस दिन पैगम्बर मोहम्मद साहब की कहानियां सुनाते हैं। लोग इस शुभ दिन पर प्यार और दया फैलाने के रूप में गरीबों को उपहार भी देते हैं। बेटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।